इतना डरे हुए क्यों? संभव नहीं है, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? से रुक रही है, जानता हूं किसी को जीवन देना मेरे नहीं सिर्फ आपके वश में है, इसलिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, बख्श दीजिए इन्हें। जानता हूं वक्त हो चुका है इनका, आयु समाप्त हो चुकी है इनकी, लेकिन जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है।
कीचड़ में उगने के बावजूद भी अपनी पवित्रता को बचा के रखने वाली कमल की जिंदगी जी है इन्होंने। अपने बच्चों के भविष्य की, अपनी बूढ़ी सासू माँ की फिक्र है इन्हें। कोई नहीं है उन्हें देखने वाला। क्या इनके कर्म और अच्छाइयों का थोड़ा सा मोल नहीं दे सकते हम इन्हें? आपने पहले भी कई बार कुछ लोगों को उनके कर्म और अच्छाइयों के आधार पर जीवन दान दिया है। क्या इनके कर्मों के आधार पर इन्हें और समय नहीं दे सकते हैं? चाहे तो आप मेरे हिस्से की कुछ सांसें दे दीजिए इन्हें। समय आया हूँ। मैं बहुत डर गई थी, मैं मर जाती तो मेरे बच्चों का क्या होता? जहाँ हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, राम जी की लीला वहीं से शुरू होती है। बेहतर महसूस कर रही हूँ। इतने सालों से पूरे समय छाती में भारीपन सा रहता था, दर्द रहता था, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है। जैसे मुझे पहले कोई बीमारी थी ही नहीं। पल भर की बेहोशी उम्र भर की बीमारी को अपने साथ ले गई। कौन हो तुम? एक बुड्ढे को मारने में वो इतना समय क्यों लगा रहा है? क्या हुआ सरकार? उठाओ उसे। अर्थ क्या है? बड़ा आदमी ना तू, इतनी भी बात नहीं समझता कि जब कोई पैसा लौटाता है वो तेरा काम नहीं करना चाहता। मैं तेरा काम नहीं कर सकता। तुम निकल यहां से, नहीं तो हल्ला मचा के गांव वालों को जगा के उनको बता दूंगा कि तेरा इरादा क्या है। जा यहां से। क्या
क्या हुआ? तुमने मना क्यों किया? अरे हाथ में पैसा भी था और भागने का मौका भी। मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन हैरान हूँ। क्या कह रहे थे कि क्या संभव नहीं है? पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उस समय जब मैंने फकीर की तरफ देखा तो मुझे बाबा दिखाई दिए, उनके हाथ भी ऐसे ही बंद हुए थे फकीर की तरह। बाबा, तो फिर फकीर की जगह बाबा कैसे दिखे तुम्हें? अरे तो मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने उस मंजर को देखा तो फकीर के ऊपर वार करने की हिम्मत ही नहीं मेरी। ऐसा लगा कि मैं फकीर पर वार करूंगा तो मैं अपने बाबा को मार दूंगा। लेकिन ये कैसे हो सकते हैं? मुझे तो वह फकीर ही दिख रहा था और अब भी वही दिख रहा है। तो फिर मुझे ऐसा क्यों दिखाई दिया? क्या ये मेरा भ्रम था? आज तक कितने लोगों के साथ मारपीट की, जान भी ली, लेकिन इतना सुकून मुझे कभी नहीं मिला जो इस फकीर को बख्श के मिला। कैसा? हल्का, बहुत हल्का, जैसे बोझ कम हुआ हो। बोझ तो कम होगा ही, कि आज पहली बार तुमने अपने अंदर के लालच और क्रोध को अच्छाई और मानवता के लिए त्यागा है सुभान। जिस दिन यह आदत बन जाएगी, जीवन में सुख ही सुख होगा। पता तो जागा हुआ था, जब जाग रहा था तो चीखा क्यों नहीं, चिल्लाया क्यों नहीं? अरे सच में मार दिया था मैंने तुझे, और मैं तुम्हें क्षमा कर देता। कुछ लोगों की वजह से जो एक क्रोध की श्रृंखला शुरू हुई है, हो सकता है मेरे बलिदान से खत्म हो जाती, और अगर मेरी प्राणों की आहुति से दूसरों की जान बचती है तो ऐसे मृत्यु पे मुझे फक्र होगा। मैंने तेरी जान नहीं बख्शी। अरे हुआ ही कुछ ऐसा कि सुना मैंने सुबह, हो सकता है रामजी तुम्हें तुम्हारे पिता दिखाकर ये दिखाना चाहते हो कि तुम्हारा हर शिकार भी किसी का पिता होता है, किसी का बेटा होता है, और ये दिखाकर वो तुम्हें और गलतियां करने से बचाना चाहते हो। अरे सटिया गया तू, सटिया गया तू। क्या हुआ सुभान, तुम्हें लगता है कि ये फकीर झूठ बोल रहा है? जब तुम उसे मारने जा रहे थे इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की? नहीं, मेरे विचार से ये सच बोल रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं इस पे वार भी करता तो भी कुछ नहीं करता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। बस यही समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कर रहा है ऐसा, क्यों इतना अच्छा बन रहा है। तो हाथ हो गई सरकार, आम आदमी तो आम आदमी, ये दो टके का टकैत ये भी आपकी बात नहीं सुन रहा। इन डाकुओं का कोई धर्म, कोई सिद्धांत नहीं होता, ना किसी के प्रति निष्ठा।
ये कुलकर्णी सरकार कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में करने की कला आती है मुझे। यदि इस रास्ते काम नहीं हो रहा तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा, किंतु हार नहीं मानूंगा। हरिओ पिताजी। आप यह जांच पड़ताल करने आया था, कहीं मेरे आदेश के विरुद्ध जाकर तुम लोगों ने कोई मूर्खता तो नहीं की? किंतु तुम सब यहां घोड़े बेचकर सोए हुए थे। लगता है तुम्हारा उस फकीर पर विश्वास उस फकीर जैसे ही खोखला है। मुझे लगता है उस डाकू ने भी भागने की कोशिश की होगी, पर मैं समय पर आ गया था इसलिए भाग नहीं पाया वो। खैर अब तुम फिर से सो मत जाना, सतर्क और चौकन्ने रहना, पुलिस किसी भी समय आती होगी। मैं नहीं चाहता कि वो ये समझे कि शिरडी अकर्मण्यों से भरी पड़ी है, जो किसी की रक्षा करने के लिए एक रात भी मैदान में डटी नहीं रह सकती। हरिओम। कैसे हो सकता है कि हम सबको एक साथ ही नींद आ गई? थेरेपी पाव फटने वाली है केशव, और अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही। साई को बचाने के लिए हमें कोई कार्रवाई अभी करनी होगी, क्योंकि सुबह में अभी जाग नहीं रहा होगा। परेशान मत हो केशव, मैं ठीक हूं।
किया मेरे साथ। मुझे अंदेशा था कि ये फकीर कोई चाल चलेगा। जब मौका मिला था मुझे तभी मौत के घाट उतार देना चाहिए था उसे। मैं भी मूर्ख था जो भावना में बह गया। इस दुनिया में कोई भी दया का पात्र नहीं है। यहाँ सब के सब मतलबी है, स्वार्थी है। किसी को सिर्फ एक ही अवसर मिलना चाहिए और वो मैंने दिया। अगर मुरव्वत की तो जाहिर है फिर से धोखा ही देगा, और मैं किसी को दोबारा धोखा देने का मौका नहीं देता। अगर इस जगह से भागने में फकीर की मौत मेरे लिए मददगार साबित होती है तो मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन क्यों? आप अपने बारे में ना सोचकर एक गुनहगार के बारे में सोच रहे हैं साईं। वो गुनहगार कम, बीमार ज्यादा है। और एक बीमार को छोड़कर मैं नहीं जा सकता हूं। मेरा फैसला अटल है। तुम सब जाओ, मेरी चिंता मत करो। श्रद्धा और सबूरी रखो। अगर मालिक ने चाहा तो जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। जाओ। आपकी बात टालने का सामर्थ्य हमें नहीं है सही। आप कह रहे हैं तो हम चले जाते हैं, लेकिन हम पास में ही रहेंगे। शायद आपको हमारी मदद की जरूरत पड़े। तो भागा क्यों? क्यों रहना चाहता है मेरे साथ? बोलना। मन में साई के क्या है, कौन जान पाए। इतना कुछ हुआ, तूने मुझे जगह तक नहीं। खैर, एक बला तो टल गई। अब बस मेरे बेटे पे जो संकट है वो किसी तरह खत्म हो तो मेरी सारी चिंता दूर, फिर मैं चैन से मर तो। सासू भाई, मरने की बात मत कीजिए। आपको जीना है, बच्चों को उनकी आज ही चाहिए, और मुझे मुझे मेरी माँ जैसी सासू भाई। सासू भाई, आप माने या ना माने, पर मुझे लगता है मेरी बीमारी अगर ठीक हुई है तो उसमें शेष का हाथ है। अगर ये कुछ बोलता ही नहीं
बताता ही नहीं। हाथ का पता नहीं लेकिन साया जरूर है। जब से तेरा साया हमारे परिवार पर पड़ा है सारी मुश्किलें टलती जा रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया है अज्जी, करने वाला तो मालिक है, वो देख सकता है। आप दोनों की गलती ना होते हुए भी आप दोनों ने कितना सहा है, हो सकता है इसलिए अब वो आपका ख्याल रख रहा है और आपकी मदद के लिए मुझे भी भेज दिया। मैं कब से पूछ रहा हूं तुझसे, तू जवाब ही नहीं दे रहा। अरे जवाब चाहिए मुझे, वो भी सच सच। तुझे इतने मौके मिले तू भागा क्यों नहीं? सुभान, तुम्हें लगता है ना कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं और जब तक तुम मुझे पूरी तरह सजा नहीं दोगे तुम्हारे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। मैं बस तुम्हें तसल्ली दिलाने के लिए रुक गया। इसने बड़े विश्वास से जो कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, की बात मैं कैसे छुटला सकता था, कैसे इसके विश्वास को तोड़ सकता था। तुझे दिखाई दे रहा है? मैंने तो इसे तुम्हारे साथ तभी देख लिया था सुभान, जब ऊपर गांव जाते समय तुम दोनों एक पेड़ के पीछे छुप गए थे। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? मेरे अलावा उसे कोई देख नहीं सकता। मैं तो देख सकता हूं इसे। मैं सब देख सकता हूं सुभान, तुम्हें भी और तुम्हारा ये बचपन भी। एक मुश्किल हल हुई है लेकिन तमाम मुश्किलें अभी भी सर उठाए खड़ी है। घर में ना अनाज है, ना पैसे और ना ही कमाने का कोई जरिया। गांव वाले तो हमें कोई काम भी नहीं देंगे।
काम क्यों ढूंढ रही है माई? आपके पास अपनी जमीन है ना? एक गुंठा? जमीन वो तो किसी काम की नहीं है। इंसान क्या पशु का पेट भी पालने के लायक नहीं है वो? अज्जी, धरती को हम माता कहते हैं और माता कभी बंजर नहीं हो सकती है। हम जी जान से उसकी सेवा करेंगे, फिर वो दाना जरूर देगी। तुमने वो जमीन देखी नहीं है, इसीलिए ऐसी उम्मीद कर रहे हो। लेकिन सच तो ये है कि पिछले कई सालों से वहां पर कुछ भी नहीं उगा, घास खरपतवार तक नहीं। कोशिश से ही सफलता मिलती है माई, हम भी कोशिश करेंगे आज से। हम आज ही उस जमीन पर जाएंगे और मुझे पूरा यकीन है राम जी हमें हमारी मेहनत का फल जरूर देंगे। आप देखना माई, हम बहुत जल्द इस जमीन को हरा भरा कर देंगे। सच कह रहा हूं अज्जी। तू कह रहा है तो ठीक है बेटा, पर कैसे? कोशिश करने से कभी किसी का नुकसान हुआ है? लेकिन इस जमीन पे मेहनत करोगे तो नुकसान ही होगा ना। देखो तुम यहाँ नए हो, यहाँ के विषय में कुछ जानते नहीं, इसलिए समझा रहा हूँ। अपना समय इस डाकू के परिवार और इस बंजर जमीन पे बर्बाद मत करो। नए परिवार तुम्हें कुछ देगा और ना ही ये जमीन। इस परिवार की ही तरह है ये जमीन, सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं। संकल्प हो तो समुद्र पर भी सेतु बांधा जा सकता है, पत्थर से जल की धारा बह सकती है, पत्थर को तराश कर भगवान की मूरत बनाई जा सकती है। फिर ये तो मिट्टी है। हम भी देखते हैं इस बंजर जमीन पर फसल कैसे उगती है। बेकार की कोशिश कर रहे हो तुम सब। कुछ नहीं होने वाला। कोशिश करते रहिए माई। दाता ने दो हाथ दिए हैं, सेवा सत्कर्मों के लिए है। झूठी राह पे क्यों तू जिए है, नेक राह ही है। हरि का काम हरे कृष्णा हरे राम। चोरी चकारी काले धंधे, विष के वृक्ष है जान ले बंदे। अमृत है मेहनत की कमाई, अमृत जैसे हरि का नाम।
हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। मैं सब देख सकता हूँ सुभान, वो भी जो तुम बन गए हो और वो भी जो तुम कभी थे। मैं देख सकता हूं उस छोटे बच्चे को जो पढ़ना लिखना चाहता था, नेक इंसान बनना चाहता था, लेकिन जमाने ने उसे बनने नहीं दिया क्योंकि उसका बाबा डाकू था। हाँ सही, यही सच। जब मेरे बाबा की असलियत सामने आई तो बाबा फरार हो गए। हमने बहुत कोशिश की अपना जीवन सुधारने की, एक नई शुरुआत करने की, लेकिन लोगों ने करने ही नहीं दिया। डाकू का घर, शांताराम चोर है। देखो कैसे अकड़ के चल रहा है, शर्म भी नहीं आती। अरे चोर डाकू तो होते ही बेशरम है, लेकिन उससे बड़े बेशरम होते हैं उसके परिवार वाले, सबकी सब मतलबी और स्वार्थी। साहब कोई काम दीजिए ना, मैं मेहनत करूंगा, आपको शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगा। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है, जो डाकू के बेटे को काम पर रखूंगा, अपनी दुकान पर डाका डलवाना है क्या मुझे? चल निकल भाग यहाँ से। साहब एक मौका दीजिए ना। चल निकल भाग। रो मत सुबह, भगवान सब देखता है, तेरी नेकी और अच्छाई का फल वो एक दिन तुझे जरूर देगा। आइए, ये रहा वो चोर, कल ही मेरी दुकान पर काम मांगने आया था, मैंने मना किया तो इसने अपनी जात दिखा दी, इसने मेरी दुकान पर चोरी करके साबित कर दिया कि एक डाकू का बेटा सिर्फ लूटमार ही कर सकता है। अभी इसको सबक सिखाना जरूरी है क्योंकि इसने छोटी चोरी से शुरुआत की है, अगर सबक नहीं मिला तो बड़ा होकर अपने बाप की तरह डकैती करेगा। नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की। तुम्हें जो भी कहना है कोतवाली चल कर कहना, चलो। साहब इसने कुछ नहीं किया है, ये चोर नहीं है। देखिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अब शिकायत मिली है तो कार्रवाई करनी ही होगी। नहीं यार, मैंने चोरी नहीं की। चलो। मैंने चोरी, मैंने सच में चोरी नहीं की थी, उस घटना से पहले मुझे पता भी नहीं था कि चोरी होती क्या है। मैं निर्दोष था, फिर भी मुझे लेकर गए। पता नहीं ये खबर मेरे बाबा तक कैसे पहुंची। मेरे बाबा कोतवाली आ रहे थे मुझे छुड़ाने के लिए, मेरी रिहाई के बदले आत्मसमर्पण करना चाहते थे, लेकिन पुलिस को ये मंजूर नहीं था। और जैसे ही मेरे बाबा कोतवाली पहुंचे। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। ये सब बड़े साहब को बताना, थोड़ी देर में बयान दर्ज करने के लिए वो तुम्हें अंदर बुलाएंगे। सुभन, सुभन। बाबा। मैं आत्मसमर्पण करने आया हूं, छोड़ दो मेरे बेटे को। ये तो वही डाकू है जिसकी हमें तलाश थी। छोड़ी मुझे। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम में से किसी को छोड़ूंगा नहीं। बाबा को मेरी आंखों के सामने गोली से मार दिया गया, उन्हें आत्मसमर्पण करने का मौका भी नहीं दिया उन लोगों ने।
हम इस छोटी सी जमीन में अनाज और सब्जियां उगाएंगे। ये बीज बोएंगे। शेष, हम पहले भी बहुत कोशिश कर चुके हैं लेकिन कभी सफल नहीं हुआ, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है। तुम क्यों खुद का और हमारा मजाक उड़वा रहे हो सबके सामने? तैयारी के साथ बीज बोएंगे तो सब मुमकिन हो जाएगा। इसमें क्या है, खाद? नहीं, सीसा। सबसे पहले हमें इसे जमीन में डालना होगा। ये लो, एक तो जमीन बंजर और ऊपर से शेषा डाल रहा है। अब तो गई है जमीन काम से। ये लोग ठीक कह रहे हैं, मिट्टी में सीसा मिलाने से जमीन की उपजने की शक्ति और कम हो जाएगी। श्रद्धा और सबूरी रखिए अज्जी, मैं आपका बुरा नहीं होने दूंगा। मुझ पे भरोसा है ना? तुम पर ही भरोसा है, लेकिन जहां भरोसा होता है वहां लेकिन नहीं होता। घाव घने सहके ही पत्थर ईश्वर है कहलाए, भोर अगन में सोना तपके निखरे घना सुहाए। दुख की आंधी में मुस्का के जो तू हरि गुण गा, प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी करे सहाय। धर के हृदय में रूप हरि का करते जा हर काम, सच्चे मन से जो भी पुकारे सुनते हैं प्रभु राम। हरि के नाम की महिमा ऐसी पत्थर भी तर जाए, प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी। आधी कोशिश यहाँ हो रही है और आधी वहाँ। हम जी दोनों का भला करें। और उस दिन मैं समझ गया कि अच्छाई का कोई सिला नहीं मिलता। मैंने तय कर लिया कि अगर जमाना मुझे डकैत समझता है तो मैं वही बनूंगा। डाकू बन गया मैं, बहुत डकैतियां की, बहुत गुनाह किए, मेरा वो बचपन का सुभान। हमेशा मेरे साथ है, मेरा समर्थन करता रहता। लेकिन साई, आपसे मिलने के बाद ये बदलने लगा। आपकी संगति में इसका नजरिया बदल गया। आप मुझे बचपन में क्यों नहीं मिले सर? शायद आज मैं कुछ और होता। अब भी देर नहीं हुई है सुबह। नहीं सही, आपको पहचानने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई।
बिना किसी के बताए आपने मुझे अति बता दिया। मैंने आप पे इतने जुल्म किए, उसके बाद भी आपने मुझे माफ कर दी, मुझ पर इतनी दया दिखाई। नहीं संदेह साई, आप महापुरुष हैं, महान है। अब मैं समझा कि गांव वाले आपको इतना पूछते क्यों हैं, आप पर अपनी जान निछावर करने के लिए इतने आतुर क्यों रहते हैं। ये सब देख कर ना साई, आपके प्रति मेरे विचार बदल गए, लेकिन मेरा व्यक्तित्व नहीं बदला। आज भी मैं वही सुभान हूं। इससे पहले ये सोचता था कि मेरे इस हालात के जिम्मेदार आप हैं, लेकिन मैं गलत था साई। मेरे हालात का जिम्मेदार मैं खुद हूं। कभी ना कभी ये तो होना ही था ना साई, लेकिन इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मेरे भाग्य में आप जैसे महान व्यक्ति की संगति लिखी रही है साई, इसलिए मैं आपको मेरे बंधन से मुक्त करता। और खुद को कब मुक्त करोगे सुभान? अगर तुम्हें पता है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है तो छोड़ दो ये सब, कर दो आत्मसमर्पण और प्रायश्चित ले लो अपनी भूल का। नहीं साई, आपने मुझ पर बहुत दया की, इतनी सहानुभूति प्रकट की, जिसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। लेकिन साई, मैं आपकी सलाह नहीं मान सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि कानून सिर्फ सजा देता है, न्याय नहीं। इसलिए जो मैं करता आया हूं वही करूंगा, क्योंकि वही मेरा जीवन है और वही मेरी नियति। यहां से भागने से अपने परिवार तक पहुंचने तक मैं कोई ना कोई मार्ग ढूंढ ही लूंगा सही, क्योंकि मुझे अपने परिवार की देखभाल करनी है, ठीक उसी तरीके से जैसे विधाता ने मेरे भाग्य में लिखा है। डकैती, लूटपाट, चोरी, और यहां से भागने से पहले सही मैं आपको मुक्त कर दूंगा, फिर आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अल्लाह माले मतलबी और स्वार्थी। मुझे बचपन में क्यों नहीं मिले सर? शायद आज मैं कुछ और होता। जीवन में कभी देर नहीं होती है सुभान। सुभान, क्या देखा बाहर? बाहर बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ में हम जाएंगे कैसे? क्यों नहीं जा पाएंगे? तुम्हारे पास एक कुल्हाड़ी है ना, फिर किसी से क्या डरना? भीड़ के गुस्से और ताकत के आगे कुल्हाड़ी नहीं टिक पाएगी। सुभान, ये भीड़ प्यार की वजह से जमा हुई है। एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति निस्वार्थ प्रेम, आस्था और जुड़ाव का संगम है। क्या तुम्हें यह डर सता रहा है कि वो प्रेम कहीं तुम पर हावी ना हो जाए? हथियार से ज्यादा प्यार ताकतवर होता है। त्याग दो हथियार सुभान।
ना सही, मैं आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, क्षमा करना मुझे। अगर मैंने अपने हथियार का त्याग किया ना साईं, तो मेरे परिवार का क्या होगा? खुद की देखभाल कौन करेगा? अब तक गांव वालों ने तो उनका जीना मुश्किल कर दिया होगा, दाना पानी बंद कर दिया होगा। मुझे जल्दी वहां पहुंचना होगा, नहीं तो वो भूखे मर जाएंगे साईं, क्योंकि उनकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं है। हमने मेहनत कर दी है, अब फल देना इस काली आई के ऊपर है। काली आई। अरे इस खेत में सीसा डाला है तूने, हमें लगा था तुम इनके साथ हो, इनकी मदद करने आए हो, लेकिन इस खेत में सीसा डालकर तूने तो ये साबित कर दिया कि तुम इनके नहीं, हम गांव वालों के साथ हो। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तूने। शायद इस बंजर जमीन को कोई गांव वाला कौड़ियों के भाव खरीद भी सकता था और उस पैसे से ये लोग कुछ दिन और भी जिंदा रहते, लेकिन अब इस जमीन को कोई नहीं खरीदेगा, जल्द ही तुम लोग भूखे मरोगे। माई, दुनिया का दस्तूर है सताए को सताना, लेकिन आप अपनी आस्था, अपना विश्वास अपने भगवान में उसी तरह बनाए रखिए। उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। दुखों का पहाड़ टूटा है, विश्वास टूटा है, इसलिए आप डरी हुई है, लेकिन अपने इस डर को श्रद्धा और सबूरी में बदल देगी तो फल जरूर मिलेगा। काली आई यानी कि ये धरती मां पर श्रद्धा रखिए, अपनी मेहनत और इरादों पर विश्वास रखिए। अगर मालिक ने चाहा तो अनहोनी को होनी होने में देर नहीं लगती। जब बोया बीज बबूल का तो आम कहां से होए? देख लिया ना, सीसे ने जला दिया है पूरी जमीन को अंदर से। शेष कहा था सीसा जमीन खराब कर देगा। और मैंने क्या कहा था माई? भरोसा रखिए मुझ पर, अगर थोड़ा सा भी विश्वास है तो अपने मन से संदेह हटा दीजिए। राम जी भला करे। हरि के नाम की चले निरंतर धुन यूं ही मन में सुबह शाम। हरे
हृदय में दया भरी हो, करुणा मैं जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा कैसे संभव है? निर्दोष को सजा देने की गलती इंसान कर सकता है, भगवान नहीं। सुभान ने गलती की, लेकिन उसके परिवार की नीयत साफ थी। फिर भी आप लोगों ने उन्हें सजा दी, लेकिन ईश्वर ने कभी नहीं। इसलिए आज धरती माँ ने उनके जीने का एक नया जरिया तैयार किया है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि आपके सामाजिक बहिष्कार की सजा से इनका क्या होगा, इनके परिवार पर क्या बीतेगी? आप लोगों के अन्याय और क्रूरतापूर्ण फैसले का सुभान के बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कभी सोचा? सुभान के परिवार का सामाजिक बहिष्कार करके एक नए सुभान को जन्म देने की गलती मत कीजिए। इन्हें स्वीकार करके सहानुभूति और प्रेम दीजिए, जिससे बच्चों को अपना जीवन बेहतर बनाने और समाज का जिम्मेदार सदस्य बनने की प्रेरणा मिले। मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। बिना कसूर के सजा दी हमने। मैं ये नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन इतना जानता हूं कि हम गांव वालों को बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया तुमने। माँ जी, बेटी, इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद इस गांव में कोई भी आपके साथ बदसलूकी नहीं करेगा, बल्कि सहयोग करेंगे। हम भी अपनी गलती सुधारेंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने में आपकी मदद करेंगे। शुक्रिया मुखिया जी। तुम इंसान के रूप में हमारे लिए फरिश्ता हो। कर भला तो हो भला। यहां से भागने का एक आसान तरीका बताऊं सुभान? कौन सा तरीका? जैसे यहां आए थे वैसे ही चले भी जाना, मेरी गर्दन पे कुल्हाड़ी रखकर। साई, नहीं, मुझसे तो गलती हुई थी साई, ये गलती मैं वापस दोहरा नहीं सकता। आप जैसे पवित्र आत्मा
अपनी कुल्हाड़ी की नोक पे रख नहीं सकता मैं। डाकू मूर्ख नहीं कि एक ऐसे इकलौते इंसान को कुल्हाड़ी दिखाऊं जिसने मुझे दया दिखाई, करुणा दिखाई, प्रेम दिखाया। मैं बुरा नहीं मानूंगा, नहीं बुरा भला मैं नहीं जाता, चाहे जो मैं गलती दोबारा नहीं कर सकता। सही तो फिर कैसे जाओगे, भागोगे कहां से? इंतजार करूंगा बेल कम होने का। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया, ओम साई ओम साई ओम साई ओम। आइए आइए जल्दी आइए, हटिए। पहली बार हमारी जमीन पर कुछ उगा है, आज बहुत शुभ दिन है, इसलिए शांति ने गुड़ की खीर बनाई है। अपनी जमीन पर हरियाली देखकर एक नई उम्मीद जाग गई है, शायद अब सुबान का जीवन सुलझ जाए। जब आई अपने बेटे के लिए कोई कामना करती है तो राम जी जरूर सुनते हैं। अजी लेकिन ये दूध गुड़ ये सब आया कहां से? हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। ये सब शेष के बदौलत आया बेटी, तुम्हारी वजह से हमारे प्रति गांव का नजरिया ही बदल गया। जो लोग नफरत करते थे उनके ही हृदय में हमारे लिए करुणा उमड़ रही है, सब आगे आकर मदद कर रहे हैं। ये दूध ये गुड़ ये चावल सब गांव वालों ने ही दिया है और कहा जब भी पैसे हो तब चुका देना। हमें कभी किसी के एहसान नहीं चाहिए थे और ना ही कोई चीज मुफ्त में लेनी थी, बस थोड़ा सा विश्वास और थोड़ी सी मोहलत चाहिए थी और वो हमें तुम्हारे कारण मिली है। अब हम जी लेंगे लेकिन तुम्हारी ये मदद तुम्हारा ये स्नेह कभी नहीं भूलेंगे। अब बस एक काम बाकी है, आपके स्वावलंबी और सुरक्षित होने की तसल्ली सुभान को दिलानी है। उसे मिलकर तभी तो वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा। मैं फिर से बाबा के पास नहीं जाऊंगी। देवती असल में उसने अपने बाबा को किसी को लूटते हुए देख लिया था। उनका वो रूप देखने के बाद देवकी ने कभी उनसे बात नहीं की है और जब पुलिस ने गोलियां चलाई उसके बाद तो वो और भी डर गई है। खैर मैं उसे समझाती हूँ।
आप बैठिए माई, मैं देखता हूं। बहुत सारे पुलिस वाले हैं, हर हाथ में बंदूक है। घर को चारों तरफ से घेर लो, आज हर कीमत पर सुभान को पकड़ना है। अगर आज वो भाग गया तो लानत होगी हम पर। जाओ, लेकिन आप ऐसा मत कुछ करना इंस्पेक्टर साहब जिससे कि हमारे साई पर आ जाए। आप लोग निश्चिंत रहिए, हम घर को घेरने के बाद दरवाजा तोड़कर सुभान को पकड़ लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, अगर दरवाजा टूटते ही सुभान खुद को बचाने के लिए साई को नुकसान पहुंचाया तो? उसे नुकसान पहुंचाना होता तो अब तक पहुंचा चुका होता। सुभान ने साई को अभी तक बंधक बना के रखा है ताकि वो भागने के लिए उन्हें अपनी ढाल बनाकर इस्तेमाल कर सके। साई को नुकसान पहुंचाकर वो अपने आप को खतरे में नहीं डालेगा। ये आपकी सोच है, उस डाकू की नहीं। देखिए, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मेरा साई जोखिम में आ जाए। पहले ही उसके हाथ पे चोट लगी है। हाँ साहब, साई के कारण ही उसका पर्दाफाश हुआ है और उनसे बदला लेने की फिराक में ही तो वो यहाँ आया है। और अगर उसे जरा से भी एहसास होगा कि वो यहाँ से भाग नहीं पाएगा तो वो वही कर सकता है जिसका हम सबको अंदेशा है। और हम किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दे सकते, इसलिए आपसे गुजारिश है, आप जोखिम मत लीजिए। तो फिर आप सब क्या चाहते हैं? हरिओम। पुलिस कब से पूछकर काम करने लगी? आक्रमण कीजिए। पिताजी, आप यहाँ? गांव का मुखिया होने के नाते मैं यहाँ हूँ, ना कि तुम्हारे पिता के रूप में। इसलिए तुम मेरे अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो, ना ही तुम्हें कोई प्रश्न पूछने का अधिकार है। इस गांव का निवासी होने के हैसियत से पूछता हूं आपसे, जब किसी गांव वाले को कोई दुख बीमारी होती है या कोई मुसीबत में होता है तब तो आप नहीं आते, फिर आज क्यों? केशव, अपनी मर्यादा मत छोड़ना बेटा, शांत हो जाओ, मैं बात करता हूं। सरकार, अगर आक्रमण किया गया तो साई की जान को खतरा हो सकता है। यदि सुभान भागने में सफल हो गया तो हम सबकी जान जोखिम में होगी। एक फकीर की जान के लिए हम पूरे गांव वालों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते।
भगवान ना करे अगर साईं को कुछ हो गया तो गांव वाले वैसे भी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि साईं में हमारे प्राण बसते हैं। दादा मुझे बाबा के पास नहीं जाना है, बहुत बुरे हैं वो, बहुत डर लगता है मुझे उनसे। डरो मत, मेरे साथ आओ। ये जांजा देख रही हो? कैसा लगता है ये? छी, कितने कांटे इसमें। पता है दादा, अगर वो कांटे हमारे हाथ में घुस जाए तो खुजली होती है, सूजन आती है, बहुत दर्द होता है। अच्छा, आओ। और ये फूलों पे उड़ती तितलियां, ये भी भयानक है। तितलियां भी कभी भयानक होती है क्या? वो तो बहुत सुंदर है, नाजुक, कोमल, रंग बिरंगी। जानती हो, ये जो खूबसूरत तितलियां है ना, ये भी कभी झांझा हुआ करती थी। ये कैसे हो सकता है? कहाँ वो झांझा, कहाँ ये प्यारी तितलियां? ये कोश देख रही हो? झांझा अपनी चारों तरफ ये कोश बना लेता है और उसके अंदर वो अपना रूप बदलकर झांझे से तितली बन जाता है। वो देखो, कारण होता है इस झांझे को तितली बनने में कोश जो भूमिका निभाता है, हम इंसानों के जीवन में अपनों का प्यार वो भूमिका निभाता है। प्यार बुरे से बुरे इंसान को भला बना देता है और जो भला है वही तो खूबसूरत है, तितली की तरह। अगर अपने बाबा को तुम प्यार दोगी तो वो भी तितली में परिवर्तित हो जाएंगे। अपने बाबा को तितली की तरह खूबसूरत बनते हुए देखना है ना,